सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि त्यौहार भी था और मैं काफ़ी ज़्यादा भी बिजी हो गया था शोज़ वगैरह के कारण। सो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और ये जो आउटलाइन हमने ड्रॉ किया था गाइज बिल्कुल फ्री हैंड हमने ड्रॉ किया था, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि और इस तरीके का फ्री हैंड ट्यूटोरियल लेके आओ, तो फ्री हैंड ट्यूटोरियल भी मैं और कंटिन्यू लाते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस पोर्ट्रेट को शेड करना। तो शेड करने में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है गाइस कि आउटलाइन सही जा रहा है कि नहीं, जो शेड है वो सही जा रहा है कि नहीं, ताकि अगर जो हमारे आउटलाइन में मिस्टेक हो वो हम शेडिंग के टाइम परफेक्ट कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना गाइस कि आप रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, लाइट शेड कहाँ पर, डार्क शेड कहाँ पर, किस तरीके से शेडो पड़ रहा है, डेप्थ कहाँ पे और कहाँ पे लाइटिंग अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ों को देख कर ही आपको शेड करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे 2B मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके शेड कर रहा हूँ, मतलब जो डार्क पोर्शन है उसे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ताकि जब हम इस पर HB का लेयर लगाएं, मतलब एक लेयर हमको HB का लगाना पड़ेगा, उसमें हमारा आउटलाइन मिक्स ना हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, पहले थोड़ा डार्क कर लेना है जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे HB पेंसिल से शेड कर पाओ, पूरे फेस को आपको HB पेंसिल से शेड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, इसका रियल टाइम भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और रोहित शर्मा वाले का भी रियल टाइम वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख पाओ। तभी बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं शेड करता हूँ, और ये वीडियो मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फास्ट करूँगा तो अच्छी तरीके से समझ नहीं आता।
तो एच बी से शेड करने के बाद गाइज यहाँ पे मैं ब्रश के थ्रू अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगा। और ध्यान रखना गाइज, जो फर्स्ट लेयर है वो आप अच्छी तरीके से देना, अच्छे से शेड करना, तब जाके वो अच्छे से ब्लेंड होगा। और मैं ब्लेंड के लिए यहाँ पे छोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हो या फिर पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना गाइस, जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप शेडिंग ब्लेंडिंग को उतना ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं गाइस 4B पेंसिल यूज़ करके जितने भी थोड़े डार्क शेड है उसे शेड करते जा रहा हूँ। 4B से जितना डार्क हो पाएगा मैं सारे एरियाज़ को डार्क करते जाऊँगा, शेड करते जाऊँगा, सारे की वैल्यूज़ बढ़ाते जाऊँगा। जहाँ जहाँ पे शेडोज़ आएंगे, डार्क टोन आएंगे, वहाँ पे डार्क वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले आपको 4B से ही बढ़ाना है, उसके बाद 8B पे जाना है। डायरेक्ट आपको डार्क नहीं करना है, 8B से डार्क नहीं करना है, पहले आपको 4B से करना है, देन 8B से। अगर आप चारकोल यूज़ करते तो बात वहाँ पे अलग होती, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट टू डार्क में जाना है। HB से हम लोग कर लिया, अब 4B से करेंगे, उसके बाद 8B से। तो बस अब धीरे धीरे गाइस मैं वैल्यू को देते जा रहा हूँ, धीरे धीरे शेड करते जा रहा हूँ, रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते जा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। ज़रूरी नहीं कि आपने जैसे फेस को एक बार शेड कर लिया या फिर नोज़ को शेड कर लिया तो कम्प्लीट हो गया, आपको तब तक शेड करना है जब तक आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। व्हाइट हेयर और हाईलाइट्स के लिए गाइस, थोड़ी थोड़ी जो व्हाइट बियर्ड व्हाइट हेयर यहाँ पर, उसके लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। और कहीं कहीं पे हाईलाइट्स के लिए मैं नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। तो जो आपके पास इरेजर है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फेस का ट्यूटोरियल कुछ इस तरीके से गाइस, बाकी जो क्लॉथ का है और जो ट्रॉफी का है वो कभी मैं और किसी ट्यूटोरियल में अच्छे तरीके से बताऊंगा। बाकी आप ये खुद से ट्राई करना, अगर आप इस ये फेस को ड्रॉ कर सकते हैं तो ट्रॉफीज भी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे।
सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लेना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।